नमस्कार दोस्तों, पीएमजी दिशा में अब तक हमने 100 क्वेश्चंस तक कंप्लीट कर लिए हैं। आज के इस वीडियो में हम नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। यदि आपने पिछला वाला वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं और आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप पिछला वीडियो भी देख सकते हैं। उसमें जो है 100 क्वेश्चंस तक कवर किया गया है, जो कि 4 पार्ट में किया गया है। तो आज के इस वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट में आगे बढ़ेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर हमारा सबसे पहला क्वेश्चन से, हाउ कैन लिनक्स बी ऑब्टेन बाई यूजर, उपयोगकर्ता द्वारा लिनक्स कैसे प्राप्त किया जा सकता है। ऑप्शंस ए है फ्री डाउनलोड, मुफ्त डाउनलोड। ऑप्शंस बी है यूजिंग डिस्ट्रीब्यूशंस, वितरण का उपयोग करना। ऑप्शन सी है फ्री डाउनलोड एंड डिस्ट्रीब्यूशन, मुफ्त डाउनलोड और वितरण। ऑप्शन डी है नन, कोई नहीं। यहाँ पर आपको बताना है कि जो लिनक्स है उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं या फिर उसे कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है वह करेक्ट आंसर होगा, फ्री डाउनलोड एंड डिस्ट्रीब्यूशन। लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका हम फ्री में इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम वॉट डेवलप बाय लिनस टोरवाल्ड्स, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम लिनस टोरवाल्ड्स द्वारा विकसित किया गया था, ये बताना है कि ट्रू है या फॉल्स। तो ये जो है ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, एग्जाम्पल्स ऑफ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं। ऑप्शंस ए है विंडोज एक्सपी, ऑप्शंस बी है उबंटू, ऑप्शन सी है डॉस, ऑप्शन सी है विंडोज एक्सपी एंड उबंटू। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वह डी होगा, विंडोज एक्सपी एंड उबंटू जो है ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के। नेक्स्ट क्वेश्चन से, Ubuntu 12.10 यूजर यूटिलिटी एज द डिफॉल्ट डेस्कटॉप इन्वायरमेंट, Ubuntu 12.10 एकता को डिफॉल्ट डेस्कटॉप वातावरण के रूप में उपयोग करता है, कि बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स। ये जो है ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, इन Ubuntu द 3 बटन्स इन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ अ विंडो आर कॉल्ड, Ubuntu में विंडो के ऊपरी बाएं कोने में 3 बटन कहलाते हैं। ऑप्शंस ए हैं क्लोज, मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज, ऑप्शंस बी है मूव, रिसाइज एंड क्लोज, ऑप्शन सी है मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड डेटा, ऑप्शंस डी है राइट, लेफ्ट एंड क्लोज। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर होगा वह ए होगा, क्लोज, मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन से, हाउ कैन ए यूजर ऑब्टेन अ प्रोप्राइटरी ऑपरेटिंग सिस्टम, एक उपयोगकर्ता एक मालिकाना ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे प्राप्त कर सकता है। ऑप्शंस ए है पेइंग अ लाइसेंस फी, ऑप्शंस बी है डाउनलोड फ्रॉम इंटरनेट फॉर फ्री, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी, ए और बी दोनों, ऑप्शंस डी है नन, कोई नहीं। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वह ए होगा, अ पेइंग अ लाइसेंस फीस, यानी लाइसेंस फी उस ऑपरेटिंग का जो भी कॉस्ट है, जो भी लाइसेंस फीस है उसे पे करके आप उसे जो है प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से, मैसेजिंग इंडिकेटर इज यूज टू एडजस्ट द साउंड वॉल्यूम इन Ubuntu, मैसेजिंग इंडिकेटर का उपयोग Ubuntu में ध्वनि की मात्रा को समायोजित करने के लिए किया जाता है। ऑप्शंस ए है ट्रू, ऑप्शंस बी है फॉल्स। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वह बी होगा, फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन से, द ऑपरेटिंग सिस्टम कैन बी क्लासिफाइड इंटू टू टाइप्स, कैरेक्टर्स यूजर इंटरफेस एंड डैश। यहाँ पर आपको बताना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है दो क्लास में डिवाइड किया गया है, पहला है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस और दूसरा आपको इसमें से सिलेक्ट करना है। ऑप्शन ए है ग्रामेटिकल यूजर इंटरफेस, ऑप्शन सी है ग्राफिकल यूटिलिटी इंटरफेस, ऑप्शन सी है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ऑप्शन डी है जनरल यूजर इंटरफेस। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा बस सी होगा, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। यहाँ पर जो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा क्लासिफाई किया गया दो कैटेगरी में, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस एंड ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन से, द कोर एलिमेंट ऑफ यूटिलिटी इज नोन एज विच ऑफ द फॉलोइंग, एकता के मूल तत्व को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए है Ubuntu, ऑप्शन बी है टास्क बार, ऑप्शन सी है लॉन्चर, ऑप्शन डी है डैश। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वह डी होगा, डैश। नेक्स्ट क्वेश्चन से, द एडिट मेन्यू नोटपैड ऑफर द ऑप्शन वर्ड रैप, नोटपैड में एडिट मेन्यू वर्ड रैप विकल्प प्रदान करता है। तो आपको बताना है कि जो नोटपैड होता है उसके अंदर जो एडिट मेन्यू होता है उसके अंदर वर्ड रैप होता है या नहीं। यहाँ पर बताना है ये ट्रू है या फॉल्स। तो ये जो है फॉल्स है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं जो नोटपैड के अंदर जो हमें वर्ड रैप मेन्यू होता है वह व्यू के अंदर दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, Ubuntu has 6 workspace by default, Ubuntu में डिफॉल्ट रूप से 6 कार्यस्थान है। तो आपको बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स। तो ये जो है फॉल्स है, करेक्ट आंसर इज बी, फॉल्स। बाय डिफॉल्ट Ubuntu प्रोवाइड 4 workspace, क्योंकि जो Ubuntu होता है वह बाय डिफॉल्ट केवल 4 ही workspace प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, इन Ubuntu यूजर मेन्यू अलाउ यू टू सर्च फॉर इन्फॉर्मेशन बोथ लोकली एज वेल एज रिमोटली, Ubuntu में यूजर मेन्यू आपको लोकल और साथ ही दूरस्थ रूप से जानकारी खोजने की अनुमति देता है, कि ये ट्रू है या फॉल्स। तो ये जो है फॉल्स होगा, करेक्ट आंसर इज बी, फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन से, डैश आइकॉन इज लोकेटेड ऑन द टॉप मोस्ट पोजिशन ऑन द लॉन्चर, डैश आइकॉन लॉन्चर पर सबसे ऊपर स्थित है, ये बताना है कि ट्रू है या फॉल्स। तो ये जो है ट्रू होगा, करेक्ट आंसर इज ए, ट्रू।
Next question say in Ubuntu, in order to customize the desktop, you need to go to the sessions indicator. Ubuntu में desktop को अनुकूलित करने के लिए आपको session indicator पर जाने की आवश्यकता है. ये true है या false? तो ये जो होगा true होगा. Correct answer is A, true. Next question say calendar, current time and date settings are found in which indicator in Ubuntu? Ubuntu में किस संकेतक में कैलेंडर, वर्तमान समय और दिनांक सेटिंग पाई जाती है? ऑप्शंस ए है क्लॉक, ऑप्शंस बी है कीबोर्ड इंडिकेटर, ऑप्शंस सी है मैसेजिंग इंडिकेटर, ऑप्शंस डी है सेंसर इंडिकेटर. तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वह ए होगा, क्लॉक. नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल द एप्स आर फ्री इन प्ले स्टोर आर एप स्टोर. प्ले स्टोर आर एप स्टोर में सभी ऐप निःशुल्क हैं या फ्री हैं? आपको बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स. ये जो है फॉल्स होगा, क्योंकि प्ले स्टोर के अंदर जो सभी एप्स होते हैं वह फ्री नहीं होते हैं, कुछ जो ऐप होते हैं वह पेड भी होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल्टर बटन इन द टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द डैश कैन बी यूज टू फिल्टर रिजल्ट टू फाइंड अ फाइल आर फोल्डर बाई विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड. डैश के ऊपरी दाएं कोने में फिल्टर बटन का उपयोग निम्न में से किस विधि द्वारा फाइल या फोल्डर खोजने के लिए, परिणामों को फिल्टर करने के लिए उपयोग किया जा सकता है? ऑप्शन ए है टाइम ऑफ मॉडिफिकेशन, ऑप्शन बी है फाइल टाइप, ऑप्शन सी है साइज, ऑप्शन डी है ऑल. तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वह डी होगा, ऑल, क्योंकि ये तीनों जो है फिल्टर में इस्तेमाल किया जा सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है द टास्क बार प्रोवाइड्स एन इजी वे टू स्विच बिटवीन मल्टीपल प्रोग्राम रनिंग ऑन द कंप्यूटर. टास्क बार कंप्यूटर पर चल रहे प्रोग्रामों के बीच स्विच करने का एक आसान तरीका प्रदान करता है. तो ऑप्शन ए है ट्रू, ऑप्शन बी है फॉल्स. तो आपको ट्रू फॉल्स बताना है कि इसमें से ये ट्रू है या फॉल्स. तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वह ए होगा, ट्रू. नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज अ टूल टू हेल्प यू लोकेट एंड एक्सेस एप्लीकेशंस एंड फाइल्स ऑन द कंप्यूटर क्विकली. कंप्यूटर पर एप्लीकेशंस और फाइलों को जल्दी से खोजने और एक्सेस करने में आपकी मदद करने के लिए एक उपकरण है. यहाँ पर ऑप्शन ए है डैश, ऑप्शन बी है यूनिटी, ऑप्शन सी है स्टार्ट मेन्यू, ऑप्शन डी है फिल्टर. तो करेक्ट आंसर इज ए, डैश. नेक्स्ट क्वेश्चन है द फाइल्स लेंथ सो द मोस्ट रिसेंट फाइल एक्सेस एज वेल एज रिसेंट डाउनलोड. फाइल लेंथ सबसे हाल ही में एक्सेस की गई फाइलों के साथ साथ हाल के डाउनलोड को भी दिखा आता है. तो ये ट्रू है या फॉल्स? ये जो है ट्रू होगा. करेक्ट आंसर इज ए, ट्रू. नेक्स्ट क्वेश्चन से द सेशन इंडिकेटर प्रोवाइड एन इजी वे टू एडजस्ट द साउंड वॉल्यूम एज वेल एज एक्सेस योर म्यूजिक प्लेयर एंड साउंड सेटिंग. सत्र संकेतक ध्वनि की मात्रा को समायोजित करने के साथ साथ आपकी म्यूजिक प्लेयर और ध्वनि सेटिंग्स तक पहुंचने का एक आसान तरीका प्रदान करता है. ऑप्शन ए है ट्रू, ऑप्शन बी है फॉल्स. तो ये ट्रू है या फॉल्स आपको बताना है. तो ये जो है फॉल्स होगा. करेक्ट आंसर इज बी, फॉल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन से द लिनक्स कर्नल एक्ट एज द मीडिएटर बिटवीन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर. लिनक्स कर्नल सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है. तो आपको बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स. तो करेक्ट आंसर इज ए, ट्रू. नेक्स्ट क्वेश्चन है द एप्लीकेशंस मेन्यू इन यूनिटी इज लोकेटेड इन द राइट एरिया ऑफ द मेन्यू बार. यूनिटी में एप्लीकेशंस मेन्यू बार के दाहिने क्षेत्र में स्थित है. तो ये ट्रू है या फॉल्स? ये जो है फॉल्स होगा. करेक्ट आंसर इज बी, फॉल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट पॉपुलर लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन इज. सबसे लोकप्रिय लिनक्स वितरण है. ऑप्शन ए है Ubuntu, ऑप्शन बी है Kubuntu, ऑप्शन डी है लिनक्स कर्नल, ऑप्शन डी है नन, कोई नहीं. तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ए, Ubuntu. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ब्राउज फाइल्स एंड फोल्डर्स. Ubuntu यूजेस विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम बाई डिफॉल्ट. फाइलों और फोल्डरों को ब्राउज करने के लिए Ubuntu निम्नलिखित में से कौन से प्रोग्राम का डिफॉल्ट रूप से उपयोग करता है? ऑप्शन ए है मैक ओएस एक्स, ऑप्शन बी है नोटलियस फाइल मैनेजर, ऑप्शन सी है विंडोज एक्सप्लोरर, ऑप्शन डी है नन, कोई नहीं. तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वह ए होगा, मैक ओएस एक्स. तो इस तरह से यहाँ पर भी हमारा 25 क्वेश्चंस कंप्लीट होता है. अब तक हमने 125 क्वेश्चंस तक कंप्लीट कर लिए. नेक्स्ट वीडियो में हम और 25 क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे. अब यदि आप पीएमजी दिशा एग्जाम से जुड़े सभी 300 प्लस क्वेश्चंस का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है. वहाँ से आप बाय करके डाउनलोड कर सकते हैं. इस पीडीएफ के अंदर 300 प्लस क्वेश्चंस तो मिलेंगे ही, साथ ही आपको फ्री में ऑनलाइन मॉक टेस्ट भी देने को मिलेगा, जिससे आपकी प्रैक्टिस और बेहतर हो जाएगी. थैंक यू. यदि हमारे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशंस आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फैमिली मेंबर और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी. यदि आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं या फिर अगला वीडियो कौन से टॉपिक पर होना चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना सुझाव दे सकते हैं. और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशंस आपको मिलता रहे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. जय हिंद.